सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। इस सत्र में जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैं आपके समक्ष जो बात करने आया हूं वो है थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जो कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से संबंधित है, उसके संबंध में आज अपन बात करेंगे। तो संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंध, यानी कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है जो कि जो ट्रांजिशन मेटल्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके संबंध में हम जो है वो बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि संक्रमण धातु संकुलों के में जो धातु लिगेंड बंध है इसको समझाने के लिए कुल चार सिद्धांत जो हैं वो प्रतिपादित किए गए हैं। तो संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन को समझाने के लिए मुख्य रूप से चार सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो है वह है पॉलिंग का सिद्धांत, जो कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बाय पॉलिंग या जिसको अपन कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है वो हैंस बैथे और वैन व्लेक ने दिया, जो कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है या जिसको अपन कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरा सिद्धांत जो है जो कि मुलिकन द्वारा दिया गया वो है आणविक कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और चौथा सिद्धांत जो है जो कि ऑर्गल के द्वारा दिया गया वो है लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो ये चार सिद्धांत जो हैं वो इस मेटल लिगेंड के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो है मुख्य रूप से प्रतिपादित किए गए हैं। लेकिन इस सिद्धांत में जो चारों सिद्धांत है उसमें से जो पहला सिद्धांत है जिसको अपन कहते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत जो है उसका अध्ययन जो है वो गत वर्ष सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी कर चुके हैं, जो चैप्टर नंबर 4 था जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में और इन ट्रांजिशन मेटल्स के जो है कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की थी, उसमें इसका अध्ययन जो है आपने किया था। तो संयोजकता बंध सिद्धांत का अध्ययन विद्यार्थी जो है द्वितीय वर्ष में कर चुके हैं। इस जो है इसका अध्ययन जो है आपने ऑलरेडी उसमें कर लिया है। अब तृतीय वर्ष के अंदर जो है हम जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसका अध्ययन जो है वो यहाँ पर थर्ड ईयर में करेंगे। और जो आणविक कक्षक सिद्धांत और लिगेंड फील्ड थ्योरी जिसके बारे में मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था, ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के हैं, इनका अध्ययन जो है वो हम एमएससी के अंदर करने वाले हैं। तो अभी हम जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के संबंध में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसके संबंध में, कि संयोजकता बंध सिद्धांत में जो है वो सिद्धांत जो है अब केवल ऐतिहासिक महत्व का रह गया है क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं। सबसे पहले हम उन कमियों को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो संयोजकता बंध सिद्धांत यद्यपि संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुण एवं ज्यामिति आदि की व्याख्या करने में तो काफ़ी सफल रहा है, किंतु फिर भी इनकी कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से इस सिद्धांत का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही है, अधिक ही रह गया है। वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुलों के व्यवहार की व्याख्या के लिए इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं होता है, जैसा भी मैंने आपसे कहा। और इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं जो हैं वो निम्न है। तो ये जो सिद्धांत है ये चुंबकीय गुणों को समझाने में, ज्यामिति को समझाने में ये जो है इसके लिए तो सफल रहा और ये भी बता सकता है कि संकुल कैसे बनते हैं, लेकिन इसके बाद में कुछ और जो हमने जब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, तो ये पाया कि ये सिद्धांत से बहुत सारी इसमें सीमाएं हैं, बहुत सारी इसकी कमियां हैं, जिसके कारण से ये सिद्धांत जो है उसका अब केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया। तो अभी हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। इस सिद्धांत में धातु आयन की प्रकृति के बारे में बहुत चर्चा की गई, परंतु लिगेंडों की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जबकि संकुल निर्माण में धातु एवं लिगेंड दोनों का महत्व होता है।
देखिए, जब मेटल और लिगेंड दोनों के बीच में एक बंध बनेगा तो मेटल और लिगेंड दोनों का उसमें महत्व है, लेकिन ये जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, संयोजकता बंध सिद्धांत है, इसमें केवल मेटल के संबंध में बात की गई कि मेटल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये है, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये है, इसके अंदर मेटल की बॉन्डिंग को समझाया, जबकि लिगेंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई या उसको जो है महत्व नहीं दिया गया। दूसरा है संकुलों के रंग यानी कॉम्प्लेक्सेस का कलर, अवशोषण स्पेक्ट्रम एवं चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या यानी उनकी क्वांटिटेटिव जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो इस सिद्धांत के आधार पर नहीं दिया जा सकता, यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर उनका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस सिद्धांत में डी कक्षकों का विपाटन या जिसको अपन स्प्लिटिंग कहते हैं वो नहीं दर्शाया गया है। तो जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे वो मूल रूप से इसी तरह डी कक्षकों के विपाटन सिद्धांत पर आधारित है, तो इस तरह का सिद्धांत जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं थी, तो ये उसकी एक काफ़ी बड़ी कमी रही। इसी प्रकार से इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया की दर जिसको अपन कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एवं क्रियाविधि या मैकेनिज्म जो है इसको नहीं समझाया जा सकता। फिर है चौथी सीमा जो है, चौथी इसके अंदर कमी जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की, कि इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन जो है वो आंतरिक कक्षक संकुल जिसको अपन क्या कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनाएगा, और बाह्य संकुल बाह्य कक्षक संकुल जो है वो कब बनाएगा, यानी कि कब मॉलिक्यूल जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण लिखें, उदाहरण स्वरूप अमोनिया साइनाइड जैसे लिगेंड सामान्यतः आंतरिक जो है कक्षक संकुल का निर्माण करते हैं, जैसे FeCN3-CO(CONH3)6 जो है 3+, ये सब जो हैं ये आंतरिक कक्षक संकुल हैं, जबकि H2O(X- जिसको अपन हैलाइड कहते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो हैं वो क्या करते हैं वो बाह्य कक्षक संकुल जैसे Fe(F6)3- और CO(F6)3- संकुल जो है यही बनाते हैं, ऐसा क्यों? इसके विषय में संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो नहीं समझा पाता। जैसे अपन बात करें कोबाल्ट पर 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ जो संकुल है और कोबाल्ट का अमोनिया के साथ जो संकुल है, इसकी अपन बात करें इन संकुलों में दोनों में कोबाल्ट +3 जो है ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि चुंबकीय आघूर्ण को यानी मैग्नेटिक मोमेंट को मापने पर पता चलता है कि CO(F6)3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि कोबाल्ट NH3(6)3+ जो है वो एक पैरामैग्नेटिक ना होकर क्या है डायमैग्नेटिक है, जिसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय है। तो ये जो दो संकुल हैं जिसमें से एक तो पैरामैग्नेटिक है फ्लोरीन वाला और अमोनिया वाला डायमैग्नेटिक है, तो इसके कारण की व्याख्या जो है चुंबकीय गुणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोबाल्ट का जो फ्लोरीन के साथ में कॉम्प्लेक्स है में संकरण हेतु 4D कक्षकों का उपयोग होता है एवं इसकी संकरण अवस्था जो है क्या है sp3d2 है, जबकि कोबाल्ट NH3(6)3+ में 3D कक्षकों का उपयोग होता है और इसकी जो संकरण अवस्था है वो d2sp3 है, इसी कारण ये प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि पहली अवस्था के अंदर जो है वो जैसे हमने देखा कि वो जो है बाहर की जो डी ऑर्बिटल है उसको काम में लिया जाता है, तो इसलिए अपन उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जब कोबाल्ट का जब अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनर डी ऑर्बिटल को काम में लिया जाता है जिसको अपन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जिसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो d2sp3 होता है। तो पॉलिंग द्वारा चुंबकीय आधार पर आंतरिक कक्ष संकुलों को सहसंयोजक व बाह्य संकुलों को आयनिक ठहराने के पीछे का आधार जो है वो भी नहीं समझाया जा सकता। तो मतलब जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है वो ये नहीं बता सकती, क्योंकि पॉलिंग ने ये कहा कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नेचर में कोवेलेंट होते हैं, उनका उनकी सहसंयोजक प्रकृति होती है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, तो उसके पीछे क्या आधार था ये हम नहीं समझा सकते। फिर अगली कमी जो है
जो हम बात करते हैं कि कोबाल्ट 2+ और कॉपर 2+ दोनों मेटल एटम्स की बात हो रही है, मेटल आयंस की बात हो रही है, इनके संकुलों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार यह व्याख्या की जाती है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, जैसे कोबाल्ट NH3 होल 6 2+ एवं कॉपर CN होल 4 2- को निम्न संरचनाओं में दर्शाया गया। तो जैसे कोबाल्ट की बात करें हम, कोबाल्ट NH3 होल 6 2+ की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोबाल्ट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 27 होता है। तो 27 का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 3D के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3D के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यानी कि जो कोबाल्ट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, यहाँ पर एक्चुअली उसकी गलती से उसके स्थान पर कॉपर लिखा हुआ आ गया, तो दूसरी लाइन में कोबाल्ट 2+ जो है उसका एटॉमिक नंबर 25 रह जाएगा, तो जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से निकल जाएंगे। तो उसका जो कोबाल्ट 2+ का ऑक्सीडेशन की जो का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार रह जाएगा 3D7 4S0 4P0। अब जब अमोनिया के जो लिगेंड्स हैं वो आ जाएंगे, तो उसके लिगेंड्स आने के कारण क्या होगा कि जो 3D में से एक इलेक्ट्रॉन है वो 4D में चला जाएगा और 3D के जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे रह जाएंगे वो सब आपस में पेयर्ड हो जाएंगे, है ना, और 2D कक्षक जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे संकरण के लिए, तो D2SP3 संकरण हो जाएगा और उसके कारण से यह है ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो 3D कक्षक से 4D कक्षक में हो गया। इसी प्रकार से हम कॉपर के बारे में बात करेंगे, ये कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एटॉमिक नंबर जो है वो 29 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 3D क्या होता है, 3D10 4S1। अब जब कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो कॉपर 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 27 इसका एटॉमिक नंबर रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3D से निकल जाएगा, तो ये 3D9 रह जाएगा। अब यहाँ 4 साइनाइड जो है आयंस के आने के कारण क्या होगा, लिगेंड्स के कारण से यहाँ पर जो कॉपर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है जो कि उसके 3D ऑर्बिटल में है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर 4P में चला जाएगा और यहाँ DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण से क्या होगा, 4 जो है वो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है उसका निर्माण हो जाएगा। तो हम इन दोनों स्थितियों में क्या देख रहे हैं, कॉपर के केस में और उससे पहले जो हमने कोबाल्ट का केस देखा, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल से जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसा होने पर दोनों संकुलों में समान अपचायक गुण होने चाहिए। अब देखिए, अपन जब संकुल बन गया, जब कॉम्प्लेक्स बन गया, तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल पर मौजूद है वो आसानी से मुक्त हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो पदार्थ जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो अपचायक के रूप में या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लेकिन इन दोनों में से कोबाल्ट 2+ संकुल तो अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन कॉपर 2+ संकुल जो है वो अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता। तो एक तो रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा नहीं है, जबकि दोनों को होना चाहिए क्योंकि दोनों के जो है हायर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है। तो इस प्रकार की जो एनोमलिटी है, इस प्रकार का जो विरोधाभास है, उसको जो है ये VBT थ्योरी नहीं समझा सकती। अतः संकुलों के व्यवहार के इस विरोधाभास को संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। फिर 6 नंबर है कि D8 विन्यास वाले धातु आयन जैसे निकल 2+ PB2+ AU3+ आदि जो होते हैं, इनसे निर्मित 5 उपसंयोजक संख्या वाले यानी 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो संकुल हैं उसके व्यवहार की व्याख्या को हम जो है VBT के आधार पर नहीं समझा सकते। यानी कि जो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेटल एटम्स हैं वो क्या करते हैं, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं और इस निर्माण को जो है
वो इस VBT के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। इस सिद्धांत के आधार पर विकृति जो है उसको भी नहीं समझाई जा सकती, जबकि सभी कॉपर तथा टाइटेनियम, कॉपर 2 और टाइटेनियम 3 संकुल जो है वो डिस्टॉर्टेड जो है वो होते हैं, मतलब वो डिस्टॉर्शन शो करते हैं और विकृत होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं। जैसे कॉपर H2O(6+) जो है, इसमें इसकी जो ज्यामिति होती है वो विकृत होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है। यानी कि जो चार वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो समान दूरी पर होते हैं और दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि चार जो H2O मॉलिक्यूल हैं वो कॉपर के तो नज़दीक हैं और दो वाटर मॉलिक्यूल उसमें दूर हैं। तो इस प्रकार की जो विकृति है उसको जो है हम इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा सकते। फिर है अगला, इसकी जो कमी है, किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोबाल्ट 2 एवं कॉपर 2 संकुल बनने में इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन 3D से 4D कक्षकों में चले जाते हैं, यह सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जो है 3D कक्षक से पहले तो 4D में गए और कॉपर के केस में 4P में जाता है, तो इस उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के जाने को ये सिद्धांत जो है वो नहीं समझा पाता। इसी प्रकार से नौवीं जो इसकी हम बात करें, नाइन्थ जो इसकी लिमिटेशन है, कि इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में कुल ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना नहीं कर सकते। यानी कि जो टोटल चेंज इन एनर्जी है उसको हम क्वांटिटेटिवली इस PBT से नहीं निकाल सकते। PBT का मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से। फिर है लास्ट है कि निकल 2+ आयन जो है वो अमोनिया अणुओं के साथ में एक चतुष्फुल्कीय संकुल बनाता है, जबकि साइनाइड आयन के साथ में इसका संकुल जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर बनता है। एक तो निकल और अमोनिया के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो तो टेट्राहेड्रल बनता है, और निकल और साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो ये जो इन दोनों की जो अलग अलग शेप है, जो दोनों की जो ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री को हम इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं समझा सकते। तो इसका भी स्पष्ट कारण एवं पूर्वानुमान जो है इस सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से कमियां हैं जो कि जिसको हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है वो एक ऐतिहासिक महत्व का रह गया है। केवल हम उसका नाम या उसकी हिस्ट्री के रूप में उसको पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल और लिगेंड की बीच की जो बॉन्डिंग को समझाने के लिए जो है अब अधिक महत्व जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया जाता है, जिसके बारे में हम हमारे आगामी लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर जो मेनली जो बुक्स हैं वो 3 प्रकार के पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, आपको मालूम होगा। एक है CBH पब्लिकेशन की बुक, एक है रमेश RBD पब्लिकेशन की बुक, और एक है साहित्य पब्लिकेशन की बुक। इनमें से जो भी किताब आपको अच्छी लगे आप खरीद सकते हैं। और जो फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के अंदर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको RBD की बुक अवेलेबल है। मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी ये तीनों ही जो है पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से भी जो बुक आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन जल्दी से बुक लें जिससे कि जो आपकी पढ़ाई है वो सुव्यवस्थित हो सके। आप सभी का धन्यवाद।